दोस्तों हंसना हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन दोस्तों आज आप भागदौड़ में इतना ज्यादा खो चुके हैं कि हंसना और मुस्कुराना भाई क्या होता है वो तो मानो जैसे भूल ही गए है ना। लेकिन दोस्तों आप टेंशन मत लो यार, आपको पेट पकड़कर हंसाने की जिम्मेदारी मैंने ली है ना। जी हाँ, हमारी आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपके लिए कुछ ऐसे ही वीडियो क्लिप्स लेके आया हूँ जिनको देखने के बाद आप खूब हंसेंगे, आपको बहुत मजा आएगा। जिन्हें देखने के बाद भाई साहब आप खूब हंसने वाले और हंसते हंसते आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे। तो आइए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, बिल्कुल भी स्किप मत करना ठीक है। आप मिलिए महाशय से जिनका ऐसा कहना है कि मेरी इस डॉगी के साथ बस 2 मिनट में ही दोस्ती हो गई और अब ये मेरे हाथों से जलेबी खाएगा। अब दोस्तों इन्होंने तो भाई ये सारी बातें कह दी, लेकिन शायद डॉगी को इनके साथ मित्रता पसंद नहीं आई, इसलिए इसने कुछ ऐसा किया कि भाई डॉगी से दोस्ती हो गई है, जलेबी खाएगा ये भी हमारा दोस्त, ये दोस्त बन गया है 2 मिनट के अंदर, ये जलेबी खाएगा भी देखो। ओ भाई दोस्तों, अगर आप लूडो खेलने के शौकीन हैं और आपके पास डाइस नहीं है तो भाई आप ऐसी जुगाड़ बना सकते हैं। अब देखिए इन्होंने क्या किया, एक दोस्त के सर पर कटोरा रख दिया और जिसकी भी बारी आती है वो कटोरे को बजाता है, तो वो दोस्त क्या करता है, कोई उन्हें नंबर बताता है जिससे वो अपनी अगली चाल चलते हैं। अब देखिए सामान नहीं है तो भाई क्या हुआ, लूडो खेलने के जुनून को कोई हरा नहीं सकता बॉस। टीचर क्लास में बच्चों के ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा रही थी, लेकिन तभी भैया बच्चों को टीचर के साथ मस्ती करने की सूझी और उन्होंने मैडम से कहा कि फिजिक्स वाले टीचर तो प्रैक्टिकल करवाते हैं, आप भी बायो में प्रैक्टिकल करवाओ। समझ रहे हो ना भैया, बच्चों के मन की भावनाएं। लेकिन टीचर भी बच्चों के मन की बात समझ गई और उस मैडम ने कहा कि बेटा बायो में प्रैक्टिकल नहीं होते, और ये कहते कहते वो कैमरे से दूर जाकर खुद ही हंसने लग जाती है। तो भाई आज से स्टार्ट हो रहा है आपका ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यहाँ पे आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों को पढ़ेंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा स्टार्ट करने से पहले किसी का कोई क्वेश्चन, अभी तक जितना हम लोगों ने पढ़ा है ऑल क्लियर गुड। मैम केमिस्ट्री वाली प्रैक्टिकल हमें कराती हैं, आप भी कराओ बेटा। केमिस्ट्री फिजिक्स के प्रैक्टिकल हो सकते हैं ना, बायोलॉजी के लाइव क्लास में नहीं हो सकते। तुमसे मिलके दिल का प्यारी समझ गई। दोस्तों कुछ लोगों का एटीट्यूड इतना खतरनाक होता है कि भाई हम तो उनके एटीट्यूड के आगे बिल्कुल मच्छर लगते हैं। अब जैसे कि आप इन भाई साहब के एटीट्यूड को ही देख लीजिए, सॉरी गर्ल्स आई ओनली डेट मॉडल्स, यानी कि लड़कियों मैं तुमसे माफी चाहता हूँ क्योंकि मैं सिर्फ मॉडल्स को ही डेट करता हूँ। दोस्तों बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस दिशा पटानी जब एक मॉल में पहुंची तो भाई उनके संग फोटो खिंचवाने के लिए एक फैन आ गया और अपना फोन दे दिया। एक फैन ने ऊपर से ही अपना फोन फेंक दिया, लेकिन बेचारे की किस्मत खराब थी जिसके चलते उसका फोन खुला ही नहीं। लेकिन इसके बाद जब लॉक फोन में ही फोटो लेने की कोशिश की गई तो कैमरा काम नहीं किया। सच में यार ऐसी बुरी किस्मत तो यार मतलब किसी की भी नहीं हो सकती है ना। दोस्तों ये लड़का ओमेगल पर लड़कियों से बात कर रहा था और बातें करते करते वो उस लड़की को कहता है कि तुम कैमरे के सामने कुछ इस तरह से स्माइल करो। इसके बाद वो दोनों लड़कियां कैमरे की तरफ देखकर उसके बताए अनुसार भाई स्माइल करती हैं। वो लड़का उन्हें स्माइल करता देख अपने फोन से उनकी फोटो ले लेता है, लेकिन इसके बाद लड़के ने जो फोटो दिखाई उसे देख के आप भी अपनी हंसी को रोक नहीं पाओगे। Wow, look at your picture. He showed us a monkey, bro.
प्राप्त हुए। इता फोन पे बाहो, तू पेटीएम कैसे बजाओ था बा? भाई ज्यादातर लड़कियों का देखिए सपना होता है कि वो खूबसूरत दिखे, इसके लिए वो ब्यूटी पार्लर जाती है और महंगे महंगे भाई मेकअप भी कराती है और तब जाकर वो खूबसूरत दिखाई देती है ना। लेकिन दोस्तों ये मोहतरमा तो भाई खूबसूरती को अभिशाप मानती है और कहती है कि खूबसूरत दिखना हर बार देखिए अच्छा नहीं होता। हाँ जरा आप खुद ही सुनिए इन दीदी की बात। यार एक तो सुंदर होना बहुत बड़ी दिक्कत है, लोग कहते हैं अरे आप तो खूबसूरत हो आपको क्या प्रॉब्लम है। नहीं यार, लोग टैलेंटेड नहीं समझते, लोग यहाँ पे लिख के चले जाते हैं अरे दीदी अच्छी दिखती हो तो कुछ भी बोलोगी क्या, ऑफिस में अगर प्रमोशन हो जाए तो चार लोग बातें करते हैं अरे ये तो सुंदर है पक्का बॉस के साथ अफेयर रहा होगा। तो हम सुंदर हैं यही हमारी सबसे बड़ी दिक्कत है यार, अब खूबसूरती को घर पर तो छोड़ के जा नहीं सकते तो मार्केट में लेके टहलना पड़ता है, जो देखो वही लाइन मार रहा होता है, जिस इंसान पे हाथ रख दो वही पट जाता है। वाह दीदी वाह दीदी, नहीं नहीं दीदी वाह दीदी, नो 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 नो। दोस्तों इस वीडियो को देखकर भाई आप भी अपनी हंसी को बिल्कुल रोक नहीं पाएंगे। इसमें एक चोर भागता हुआ आता है और सड़क के पास भाई छुप जाता है, वहाँ खड़ा एक आदमी उसे देख लेता है लेकिन भाई वो चोर जो है उस आदमी को इशारे में चुप रहने को कहता है और तभी एक पुलिस वाला भाई चोर का पीछा करते हुए वहाँ पहुँच जाता है और वो उस आदमी से चोर के बारे में पूछता है। इस पर वो आदमी कहता है कि चोर दूसरी तरफ भाग गया, पुलिस वाला भी उसकी बात मानते हुए वापस उसी रास्ते पे चला गया जहाँ से वो आए थे। अब चोर बेखौफ होकर भाई सड़क पर आकर खड़ा हो जाता है और मौका पाकर जिस आदमी ने उसे पुलिस वाले से बचाया था ना उसका ही बटुआ मार के भाग जाता है और ये बेचारा इधर उधर झांकता ही रहता है। इस वीडियो को देखकर दोस्तों एक बात तो मैं कहूंगा कि भलाई का जमाना तो बॉस आज के टाइम में है ही नहीं, जिसकी भलाई करोगे वही आपकी मारेगा। अरे जेब जेब की बात कर रहा दोस्तों, अब तक आपने टीवी में बहुत सारे इच्छाधारी नाग और नागिन को देखा होगा लेकिन आज हम आपको एक असली इच्छाधारी नाग दिखाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, और वो भी बीन पर नाचते हुए। तो ये हैं इच्छाधारी नाग के असली मालिक। दोस्तों अगर आप भी मेरी तरह राजकुमार के फैन है तो आपने ये डायलॉग तो जरूर सुना होगा। सुना है, तुम बहुत बड़े दादा बन गए हो। लेकिन यहाँ पर भैया कुछ लोग इस डायलॉग पर लिपसिंग वीडियो बना रहे हैं लेकिन इन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिसको सुनकर मेरी हंसी तो नहीं रुकी। जरा आप भी खुद ही देखो। तुम बहुत बड़े दादा बन गए हो। अभी तो मैं बाप ही ना बना। दोस्तों कुछ लोग देखिए बाहर जाके पार्टी करने का मन मन होता है, कुछ ऐसे ही भाई यहाँ भी लोग हैं समुद्र किनारे बैठ कर पार्टी शार्टी कर रहे थे और मजे से यार खाना वाना खा रहे थे लेकिन तभी इनके संग भाई कुछ ऐसा हो जाता है जिसे देखकर आपकी हंसी आउट ऑफ कंट्रोल होने वाली है। नो 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 नो। आगे स्वाद। दोस्तों जैसे ही होली का त्योहार आता है वैसे लोग वही इसकी तैयारी करने में लग जाते हैं, जैसे कि रंग से लेकर पिचकारी विचकारी लेना, गुब्बारे में पानी भरना, ये सब करना है ना, क्योंकि होली पर गुब्बारे यार सबसे ज्यादा फेमस होते हैं, लोग फेंक फेंक के मारते हैं। कुछ ऐसे ही यहाँ वीडियो देख सकते हैं दोस्तों जिसमें ये दोनों भाई एक दूसरे के ऊपर पानी के गुब्बारे ताने हुए हैं, बस फेंकने की देर है लेकिन रुको भाई रुको, क्योंकि इन दोनों का इरादा कुछ और है। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटाए। कैमरे में कई बार कई ऐसी वीडियोस रिकॉर्ड हो जाती हैं जो काफी अजीब होती हैं। जी हाँ, आपका अनुराग नाम है मेरा। क्या काम करते हैं? टेम्पर लगाता हूँ बगल में दुकान। कितना कमा लेते हैं? क्यों उधार लेना है क्या मेरे से? आपको दिख रहा नहीं मैं रिपोर्टिंग करूँ फिर बदतमीजी करें इशारे करूँ? आपको तमीज नाम की चीज नहीं है, मेरे को भी मैनर्स नहीं है आपको? मैडम पहली बात तो ये बदतमीजी मैं नहीं ये कर रहा था, और दूसरी बात ये मेरे दिन इतने भी बुरे नहीं चल रहे कि तुम पे लाइन मारूंगा मैं। आगे स्वाद। <थे। laughs>
उम्मीद करते हैं दोस्तों हमारी वीडियो जरूर आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और कौन सी वीडियो क्लिप सबसे अच्छी लगी, हाँ कमेंट कीजिए, बताइए। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए, अपने एंटरटेनमेंट के लिए क्या करना है, राइट, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना। सो प्लीज डू इट। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।